काम कम होते हैं ना ईमानदारी से, जब पंचर भी नहीं होता साला, हर भूख भी लग रही है, सुबह साहब खाने जा रहे कुछ। 6 बजे के निकले ऑफिस से, अभी 10 बजे आके लगे हैं घर पे। वो देख लेंगे लोग अजीब निगाहों से देखते हैं। बाइक में पंचर हो चुका है हमारी, ये भाई जोड़ेगा हमारा पंचर, ये कह रहा है कि हमारा टायर खोल लेगा। भाई इसका टायर खोलने में ना बड़ी दिक्कत आती है, मैं इसलिए पूछ रहा था, काफी जगह ना फंस चुका है। भाई इसका टायर नहीं खुलता, ट्यूबलेस नहीं है ये, मुझे मालूम है ट्यूबलेस नहीं है, इसका टायर नहीं खुलता, इन्नो ही लग गया। तो भाई देख के बताएगा अभी कि इसमें पंचर लगा पाएगा कि नहीं। लेकिन ये बात तेरे को माननी पड़ेगी कि तू 10 रुपए फालतू ले रहा है, मजबूरी का फायदा उठा रहा है लोगों से, है कि नहीं भैया? तो भाई मांग रहे हैं 50 रुपए पंचर, सही है क्या? बता देना यार, है तेरा नंबर डालेंगे बिल्कुल, एक जगह की लोकेशन भी बता दियो कहाँ पर है, ताकि किसी का पंचर हो जाए तो ये मिल जाए। दिल्ली पब्लिक स्कूल विजयनगर प्रताप विहार, ये सिद्धार्थ विहार के DPS के सामने है भाई, और ये रास्ता सीधा जाता है सम्राट चौक। जिम में दाम कम होते हैं, जब दाम कम होते हैं ना ईमानदारी से, जब पंचर भी नहीं होता साला, फिर कुछ भी नहीं, हर भूख भी लग रही है, सुबह साहब खाने जा रहे कुछ, शुक्र मान बेटा भैया खा के ना आए कुछ, ये भी यार कम पड़ जाते तेरे 40 रुपए। यार बढ़िया दुकान है आपकी तो मिलनी चाहिए, साइज ही नहीं है भाई, यहाँ भाई पहला साइज देगा कोई, थोड़ी ट्यूब मिल नहीं भाई, यहाँ नहीं मिलेगी। बढ़िया है बुलेट, और क्या दिक्कत है इसमें, ये बात और है कि इसके टायर ट्यूब ना मिल रहे हमें, हमारे बाइक का ट्यूब कहीं नहीं मिल रहा है, पूरे गाजियाबाद में छान मारा है हमने, पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगा, कह रहे हैं पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगा इसका ट्यूब। ये कैसी बाइक ले ली हो तुम, अबे कोई भी वो नहीं है, दुकान नहीं है जहाँ पे इसका ट्यूब मिल पाए, पूरे जगह में इधर विजयनगर साइड में कहीं भी कोई दुकान नहीं, वही निकल गई हवा। तो इस भाई ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, इसके बस की नहीं है ट्यूब लाना, रगड़ेंगे ऐसी क्या करें। 10 बज चुके हैं, 6 बजे के निकले ऑफिस से, अभी 10 बजे आके लगे हैं घर पे, क्यों? क्योंकि हमारी बाइक में पंचर हो गया था, और ऐसी यूनिक बाइक है हमारी कि पूरे गाजियाबाद में उसके अगले टायर का ट्यूब नहीं है। तो जिन लोगों के पास हिमालयन बाइक है, प्लीज 2 ट्यूब स्पेयर अपने बैग में जरूर रखें, नहीं तो रास्ते में अगर पंचर हो गया ना तो बहुत मुश्किल होने वाली, जिन भाइयों के पास हिमालयन, 2 ट्यूब स्पेयर जरूर अपने बैग में रखें, और सीधे जाके ट्यूब दें और ट्यूब डलवाएं और अपनी बाइक भगाएं। आज टाइम मिला है अपनी बाइक में ट्यूब डलवाने का, ये मिल गया है ट्यूब, दिल्ली से लेकर आए हैं, C8 का नंबर देख सकते हैं आप, 9091, इस नंबर का ट्यूब हमारी बाइक के अगले पहिए में पड़ेगा, वो 380 रुपए का आया है ये ट्यूब, नॉर्मल पंचर शॉप से जाके ये डलवा लेंगे। ये 2 ट्यूब लेकर आया हूँ, 1 ट्यूब स्पेयर अपने बैग में रखूंगा अगर फिर से दोबारा पंचर हुआ तो, चलिए डलवाने चलते हैं अब इसे, देखते हैं पंचर वाले कितने पैसे लेंगे। तो आ गए हैं हम अपनी बाइक में ट्यूब डलवाने के लिए, 9091 नंबर है इसका। वन मोर ब्लॉग इन पब्लिक, बहुत ही टफ है यार इतने मार्केट में ब्लॉग करना ना, लोग अजीब निगाहों से देखते रहे। देना टायर को तो नुकसान नहीं हुआ, मिस्त्री तो खुलेगा भाई यार, ये मैं नलकी है, एनएलकी लगेगी, एलएन के नीचे, आपके पास है नहीं, एलएन के नहीं है ना मेरे पास, पहले ही बता देते, मांग लो ना किसी से, किस लेगा तो। मिल गई है फाइनली एक दुकान हमें जहाँ पे हमारी बाइक में ट्यूब डाल देंगे, भैया डाल दोगे ना पक्का? बिल्कुल भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो, देख लो जब रोका है ट्यूब डाल के देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो, ये हमारे उस्ताद जी की भी फोटो ले लो, खोलने को राजी ना होएगा इसको, कोई खोल ही ना रहा इसे, ऐसा क्या है इसमें, ऐसा भाई साहब कुछ भी ना, बस खाली दिमाग का खेल है इसके अंदर, बाइक खराब होगी ना हमारी, देखो ना कितनी बढ़िया बात है, पूरे गाजियाबाद में इसका ट्यूब नहीं मिल रहा, पीछे बैठना पड़ेगा, बिल्कुल पीछे बैठ जाओ। फाइनली खुल गया है हमारा टायर, देख सकते हैं आप,
ओके की रिपोर्ट आ गई। धन्यवाद भाई। चलो लग गया है अब ट्यूब। अब आपको मदन का घेवर टेस्ट कराते हैं। बढ़िया घेवर मिलता है।